वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये जो अपडेट है बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी छात्र सेमेस्टर वाई है, फिर मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं, लास्ट तक बने रहना है। आज की ये सबसे बड़ी अपडेट है, 3 अप्रैल 2022 की बात करने वाला हूं। ये जो टाइपिंग की गया था, ये जो अपडेट देख रहे हैं, ये 1 तारीख को ही टाइपिंग हो गया था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की साइट पर जो अपलोड हुआ है वो 3 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, आज हुआ है। और आज की इस पूरे अपडेट में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ क्या क्या आज की न्यू अपडेट है और ये किस लिए बोला गया, जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी ध्यान से देखता हूँ। यहाँ बोला गया है कि सूचित किया जाता है, संबंधित सेमेस्टर को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय मुख्य सेमेस्टर, जो मुख्य और सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई थी, पहले हुई थी 2020 में, 2021 में जो पहली परीक्षाएं हुई थी, उनके समस्त परीक्षा फल घोषित कर दिए गए हैं। मतलब उनका रिजल्ट पहले से आ चुका है, जो छात्र का क्या था, जो 2021 में रिजल्ट जो घोषित हुआ है, 2020 और 21 के छात्र थे, तो उनका चाहे मुख्य परीक्षा हो, मतलब मेन एग्जाम हो, या फिर सेमेस्टर वाइज हो, उनके जो परीक्षा फल रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। यदि किसी छात्र की परीक्षा फल, मतलब कि रिजल्ट, किन्हीं कारणों से अपूर्ण या फिर अघोषित है, मतलब कि अपूर्ण है और अघोषित, मतलब कि उसका रिजल्ट ही नहीं आया है कोई कारण से, तो वे अपने समस्त अभी लेखीय पक्ष जो होता है, अभिलेखीय पक्ष होता है, मतलब अपने अंदर जो प्रवेश कह सकते हैं, साहित्य आपको कह रहा है 8 अप्रैल 2022 तक प्रार्थना पत्र अपने महाविद्यालय से, ठीक है, अग्रसरित कराते हुए विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बोला गया है कि आपको एक पत्र लिखना है, एक पत्र लिखना है और उस पत्र में अपने जो महाविद्यालय है, मतलब जो कॉलेज है, उससे अग्रसरित कराना है, मतलब कि उसे हस्ताक्षरित कराने पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मेरा जो है उन सर से कहना पड़ेगा कि सर मेरा ये है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो वो लोग आपको एप्लीकेशन लिख के जाओगे, उस पर लेके जाओगे, तो उस तरीके से आपको पूरा वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा कॉलेज से। कॉलेज से जब अप्रूवल मिलेगा तब आप यूनिवर्सिटी को अपील कर सकते हैं, और अपील यूनिवर्सिटी करो तो यूनिवर्सिटी वो आपके रिजल्ट को घोषित करेगी, या फिर कोई दिक्कत आई है, ठीक है, आप सही है फिर भी गलत घोषित किया गया है, तो वो उसको बदलाव करेगी, ताकि उस पर आवश्यक देखो कार्रवाई करते हुए परीक्षाफल पूर्ण घोषित किया जा सके, ठीक है, और कार्रवाई हो आपके उस पत्र पर, और क्या हो, आपको पूरा घोषित कर दिया जा सके, मतलब कि आपको पास कर दिया जा सके, ठीक है। और तत्पश्चात किसी की तरह की कोई प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा, मतलब कि और किसी तरीके का, और कोई और किसी तरीके का, यदि आप प्रश्न पत्र भेजना चाहते हैं कि भाई मेरी ये हो गया, मेरा नाम चेंज कर दो, ऐसा हो है ना, तो नहीं किया जाएगा। यहाँ बोला गया है अर्थात, मतलब जो भी और किसी का है, तो यदि आपको कोई विफल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, पूर्ण है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, नाम हम मतलब सब यहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन और कोई तरीके से, मतलब नाम यदि संशोधन कराना, तो यही हो जाएगा, भी हो जाएगा जो होना है, लेकिन और कोई प्रॉब्लम है तो आपका नहीं होगा। और कह रहा है उसका कह रहा है समस्त उत्तरदायित्व, यदि ऐसा कुछ होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय, मतलब कि कॉलेज होगा, या फिर वो छात्र स्वयं होंगे, इसका यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई भी आपत्ति नहीं होगी, मतलब यूनिवर्सिटी कोई अपने ऊपर आरोप लगाना नहीं चाहती, अपने ऊपर आरोप लेना नहीं चाहती है, सिंपल तरीके से ये बोला गया है। तो ये थी आज की अपडेट, जो आपको क्लियर करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप मेन एग्जाम के होंगे, फिर सेमेस्टर के स्टूडेंट है 2020-21 के, यदि आपको परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ है तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, ये घोषित हो गया फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है रोल नंबर में, या फिर जांच पत्र, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रवेश पत्र द्वारा, नाम गलत है, तो आप उसको एप्लीकेशन लिख के भेज सकते हैं और अपने कॉलेज से अग्रसित करा के यूनिवर्सिटी भेज दीजिए, और ताकि आपका जो नाम होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सब ठीक सोल्यूशन हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आई होप वीडियो पसंद आई हुई, और मैंने आपको 2022 में आने वाले क्वेश्चन दे रखे, आप वो तैयार करके जरूर जाना, ताकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।